good morning students welcome to sri satya sai ken vidyalaya Mahavas. i am anil sir students today we are going to complete exercise in worksheet okay students now open the page number 1 कंप्यूटर ए मशीन स्टूडेंट्स इन कंप्यूटर टेक्स्ट बुक यू हैव ऑलरेडी लर्न चैप्टर फर्स्ट अबाउट मशीन नाउ यू आर गोइंग टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज यहाँ पे आप वर्कशीट में ये एक्सरसाइज कंप्लीट करोगे ओके स्टूडेंट्स नाउ लुक एट हियर कंप्यूटर ए मशीन फाइंड सिक्स नेचुरल थिंग्स इन वर्ड सर्च गिवन बिलो यहाँ पे सिक्स नेचुरल थिंग्स दिए गए हैं और यहाँ पे वर्ड सर्च बॉक्स दिया गया है इसमें से आपको वर्ड ढूंढने हैं यहाँ पे देखो नेचुरल थिंग्स क्या है फ्रूट्स ये क्या है वाटर यहाँ पे क्या दिया गया है फ्लावर्स हियर वेजिटेबल्स ही आर ट्री यहाँ पे रेन सो स्टूडेंट्स ये सभी आपको वर्ड्स नेचुरल थिंग्स के इस बॉक्स में से ढूंढना है और आपको कंप्लीट करना है ओके स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स लुक एट हियर। यहाँ पे नेचुरल थिंग्स क्या है फ्रूट्स सब फ्रूट्स वर्ड्स हम इसमें से ढूंढेंगे। यहाँ पे देखो एफ आर यू आई टी एस फ्रूट्स सो so, उसको आपको इसे सर्कल कर लेना है ओके okay, स्टूडेंट्स इस तरह आपको कम्प्लीट करना है इस तरह आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर दूसरे जो नेचुरल थिंग्स दिए गए है उसके नेम इसमें से ढूँढना है और आपको कंप्लीट कर लेना है ओके स्टूडेंट्स नाउ स्टूडेंट्स टर्न योर पेज पेज नंबर टू एट हियर, फ्रॉम द फॉलोइंग पिक्चर्स सर्कल द नेचुरल थिंग्स इन ग्रीन कलर एंड मैन मेड थिंग्स इन रेड कलर ओके स्टूडेंट्स नेचुरल थिंग्स यानि भगवान ने बनाए हुए चीज को हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं मैन मेड थिंग्स यानि जो इंसान ने बनाए हुए चीज़ है उसको मैन मेड थिंग्स कहा जाता है ओके स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखो यहाँ पे नेचुरल थिंग्स एंड मैड मेड थिंग्स दिए गए हैं उसमें से आपको नेचुरल थिंग्स ढूँढना है और उसको ग्रीन कलर से सर्कल करना है यहाँ पे देखो ये नेचुरल थिंग्स है वाटर दिस इज नेचुरल थिंग्स सो आपको ग्रीन कलर से इस तरह सर्कल करना है ओके स्टूडेंट्स मैन मेड थिंग्स यानी इंसान ने बनाए हुए चीज आपको यहाँ से इस पिक्चर में से ढूँढना है और उसको रेड कलर से सर्कल करना है यहाँ पे देखो ये मोबाइल मैन मेड थिंग्स है उसको आपको रेड कलर से इस तरह सर्कल करना है ओके स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स इस तरह आपको इस पिक्चर में से मैन मेड थिंग्स कौन से है एंड नेचुरल थिंग्स कौन से है वो ढूंढ के आपको सर्कल करना है और ये पूरा कंप्लीट करना है ओके स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स नाउ ओपन द पेज नंबर थ्री एट हियर स्टिक द पिक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग सर्च पिक्चर्स फ्रॉम ऑल मैगजीन्स एंड न्यूज पेपर्स स्टूडेंट्स इस बॉक्स में आपको पिक्चर स्टिक करने हैं और वो पिक्चर आपको मैगजीन्स या न्यूज़पेपर में से लेने हैं ओके स्टूडेंट्स टू मैनुअल मशीनेस मैनुअल मशीनेस यानि जो हाथों से चलने वाले यंत्र वो आपको न्यूज़पेपर या मैगजीन में से लेना है और यहाँ पे स्टिक करना है आपको यहाँ पे चिपकाना है ओके okay, स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स लुक एट हियर यहाँ पे मैनुअल मशीनेस दिए गए हैं ऐसे आप मैनुअल मशीनेस ले सकते हो और आपको स्टिक करना है ओके okay, स्टूडेंट्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मशीनेस इलेक्ट्रॉनिक मशीनेस यानी बिजली से चलने वाले मशीनेस वो आपको न्यूज़पेपर या मैगजीन में से लेने हैं और यहाँ पे चिपकाना है ओके स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मशीनेस दिए गए हैं आप कोई भी इलेक्ट्रिक मशीनेस ले सकते हो ओके स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ओपन द पेज नंबर फोर एट हियर, मैच द मैनुअल एक्टिविटी विद द मशीन दैट कैन डू द सेम वर्क फास्टर वन हैज बीन डन फॉर यू स्टूडेंट्स यहाँ पे मैनुअल एक्टिविटीज़ दी गए है यानी जो हम हाथों से करते हैं काम वही काम को मशीन से किया जाता है यहाँ पे मशीनेस दिए गए हैं, जो कार्य हम हाथों से करते हैं वही कार्य को मशीन से किया जाता है तो मशीन को हम उस कार्य से जोड़ेंगे ओके okay, स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको इस बॉक्स में आंसर लिखने हैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है ए के साथ फोर दिया गया है यानि ये मैच कैसे करना है वो दिया गया है यहाँ पे देखो हाथों से कपड़ा धोना तो वही कार्य फोन नंबर पे दिया गया है जो हम वॉशिंग मशीन में कर सकते हैं इस तरह आपको सभी आंसर कंप्लीट करना है ओके स्टूडेंट्स मैच करना है स्टूडेंट्स ये सभी एक्सरसाइज जो हमने आज की है वो आपको कंप्लीट करना है और मुझे वापस भेजना है दिस इज होमवर्क फॉर यू ओके स्टूडेंट्स